पहले भी नहीं लिया सकल नहीं है पूरा सटे तो सट नहीं लगा नहीं चल पीछे थोड़ा सा रेंज उन सेटेलाइट से जाता है ना थोड़ा तो क्या लगता है हम बोलते तेरे मोबाइल घुस जाता है कितना स्पीड है पता है ना लाइट का तुम ही बोलो साउंड का क्या मतलब है हमको जिसका है उसको रहने दीजिए देखिए 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड ध्यान दो देखो साउंड कम करो देखो इस तरह के फ्रिज में आप लोग ने देखा भी है कोई बड़ी बात नहीं है देखो ये सरफेस क्या है देख रहे हो दो को सरफेस है ये बाहर वाला इधर वाला ये क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दोनों ठीक है ये जो देख रहे हो दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं और ये जो रिफ्रैक्टिंग एज है ये देख ये यानी बाहर से अगर देखेंगे तो हमको इस तरह से दिखेगा ये वाला सरफेस खाली दिखेगा पीछे वाला तो दिखता नहीं है लेकिन इस तरह से दिखाया गया है नीचे जो है बेस बोलते हैं या प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी सारे चीज़ें देख रहे हो तो इसमें दिमाग में यही रखना है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें कि इस पार से उस पार हम लोग को लाइट पास कर जाता है तो वही अगर बाउंडेड है वही कहा देखो ना प्रिज्म इज होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई एटलीस्ट है ना पी क्यू बी डी ये हो गया फिर क्या पी आर सी डी ऐसे हो गया आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग फेसेज या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज इस तरह से फेसेज या सरफेसेज भी दे सकता कोई दिक्कत नहीं सरफेस मतलब एक हुआ फेस मैंने दोनों से जैसे ये क्या इस तरह से है तो ये फेस बोला जाता है लेकिन इस सरफेस स्पेस है तो सरफेस हो जाएगा इस तरह से फिगर है फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिगर आपसे पूछा ये सब 8, 9, 10th की चीज़ें हैं
रिफ्रैक्टिंग फेसेज मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एज या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दे सकता है, ठीक है, ऑफ द प्रिज्म। द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो बात वही चीज़ है ना, दो एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज। देखो एक हुआ मील, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, फेसेज जो मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, जैसे देखो एगो ये मीट कर रहा था, ऐसे पीछे था तो यही ना मिल कर रहा है, ये हुआ जो एज हुआ, ये वाला जो हुआ क्या हुआ, एंगल हुआ। एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए, मैंने एंगल को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से करेंगे। द सेक्शन डी बी सी ऑफ द प्रिज्म इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। नीचे वाला जो पार्ट है देख रहे हो ना, कुछ लिखा बी डी बी सी, देखो देखो ना भाई, डी बी सी ये क्या है, बाहर है, तो ये डी बी सी ऑफ द प्रिज्म इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन, मैंने बाहर का सेक्शन को जो प्रिंसिपल। नीचे वाला सेक्शन को क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो सेक्शन होगा यानी कि ये वाला हमारे पास ये इसको बेस बोलेंगे, आधार जिसको बोलते हैं, नीचे वाले को, और बाहर वाले को प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। ये दोनों सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ये वाला को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ये वाला को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बस यही चीज़ समझना है। सूरज कुमार ठीक ठाक है, चलिए यहाँ देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज, इसी से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, नहीं दिख रहा, है ना, तो ये प्रिज्म से होता है, तो ये सारे फिगर तो आपको दिख रहे हैं, सब कुछ दिख जाएंगे, लेकिन कैसे होता है इसकी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद डिस्पर्शन पर आएंगे, इसको थोड़ा कैसे होता है बोर्ड पर आ लेते हैं। क्या बोले, देखो बढ़िया समझना, इसी से समझ में आएगा। मान लो ना कि प्रिज्म है, ध्यान देना है से इसका मेनली रूप से डायग्राम, देखो ये तो हमको पता चल गया कि मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, तो ए बी सी एक हमारा प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से कोई लाइट देता है इस तरह से, ये जो हमारे पास लाइट इस तरह से जाता है तो ये लाइट कुछ नहीं तो सनलाइट होता है, ठीक है, ये सनलाइट जाता है तो देखो जहाँ पर भी टक्कर मारेगा इस टक्कर पॉइंट पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये लाइन जो आपका परपेंडिकुलर है तो ये इसके नॉर्मल के जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए नियम के अनुसार क्या होता है, नियम के अनुसार यही होता है कि जो ये लाइट आ रहा था, ये लाइट आना चाहता था क्या इस तरह से, ये लाइट इस तरह से ये आगे आना चाहता था, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाता है, कारण कि रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है। तो देखो ये डेंसर टू रेयर जा रहा है कि रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये क्या है आपका रेयर में है और डेंसर में जा रहा था, डेंसर में जा रहा था नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल की ओर जैसे ही शिफ्ट होता है तो ये आपकी लाइट जो है, ये आपकी लाइट इस तरह से यहाँ मुड़ जाती है, ये सीधा ये लाइट यहाँ से यहाँ चली गई। अब यहाँ से यहाँ जो लाइट चली गई, अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ पर नॉर्मल डालेगा, तो फिर से ही नॉर्मल डालता है इस तरह से, ध्यान देना, ये जो हमारे पास नॉर्मल है इस तरह से, ये हमारा भी अब इस तरह से दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको भी विचार था क्या, इसको भी अब विचार है कि हम सीधे निकल जाए, लेकिन ये डेंसर टू रेयर जा रहा है तो ये नहीं निकल पाता है, ये क्या होता है इस तरह से मुड़ जाता है इस तरह से, ये आपका इस तरह से लाइट यहाँ से इस तरह से निकलता है, यानी ऐसे गया इस तरह से फिर से ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये घटना समझ में आया, ये प्रिज्म में ऐसा ही घटना घटता है, इस तरह से गया तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, तो इसको इंसिडेंट रे और इसको हम लोग क्या रिफ्रैक्टिंग रे भी बोल सकते हैं, या जो कह निकलने वाली रे, तो रिफ्रैक्ट यहाँ पर दो जमा रिफ्रैक्शन हुआ है, समझने की बात ये है कि एक बार यहाँ पर हुआ तो ये आपका जो एंगल बनाएगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, तो इस एंगल को हम लोग आई बोलेंगे,
है ना, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आई बोलते हैं तो आई बोलिए, यहाँ आर बोलते हैं तो आर बोलिए। लेकिन जब इधर से अगर देखा जाए, इधर से फिर से आई ए कहला सकता है, अगर इधर से लाइट आवे तो इधर से आर ए कहला सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर आई को आई वन कह देता है और आर को आर वन कह देता है, इसको आर टू कह देता है, इसको आई टू कह देता है। और इसी जो निर्गत है, मैंने जो निकल रहा है रे, तो आने वाली है और जाने वाली है, ये दोनों को अगर पीछे की ओर बढ़ाता है, इसको पीछे बढ़ाता है और इसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या इस तरह से देख रहे हो, क्या ये जो हमारे पास कुछ एंगल दिखता है इस तरह से बनता हुआ, ये इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल डेविएशन बोलते हैं। यही डेविएशन का फॉर्मूला निकालना रहता है, डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए इक्वल टू म्यू माइनस वन, यही प्रूफ करना है। म्यू क्या है, तो म्यू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए क्या है, ए प्रिज्म का एंगल है, यही हम लोग को प्रूफ करना है मेनली रूप से। तो इसको ऐसे लिख देगा या तो फिर इससे पहले लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, यही प्रूफ करने के लिए पूछेगा, ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा। ठीक है, या आप ये पूछे तो आसान हो जाता है, ये पूछे तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसी से ही निकलता है आगे जाकर। ठीक है, डेल्टा भी दे सकता है, डेल्टा मिनिमम भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे प्रूफ होगा इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अब इसमें कुछ नाम निशान दे दीजिए, जैसे ये पी हमारा, इस पॉइंट को कुछ दे देते हैं क्यू, इसको आर, इसको एस, इसको ओ, इसको ओ डैश। थोड़ा सा और समझना है यहाँ पर, ई वाला जो एंगल है, ये वाला और ई वाला, तो ई वाला एंगल को हम एक्स मान रहे हैं और वाई मान रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर इस तरह से ट्रेंगल हमारे पास हो जाए, ये हमारे पास डेल्टा हो जाए, ये हमारे पास एक्स हो जाए, ये हमारे पास बाई हो जाए, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल, ये इसके सामने दो इंटरनल है, तो एक्स प्लस बाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर अब कोई पूछे एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, तो देखिए आपको एक चीज और समझा दें हम। अगर इस तरह से लाइनिंग है और इस तरह से लाइनिंग, तो यहाँ से ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, नहीं होगा, ये वाला एंगल इक्वल टू पूरा एंगल होगा वो। लेकिन देखिएगा थोड़ा यहाँ से, ये वाला देखिए, अगर इसको हम m मान लें, इसको n मान लें, तो m o और n o तो एक तरह से नॉर्मल है, तो ये जो नॉर्मल है ध्यान देना, तो ये नॉर्मल और ये जो हमारा पी क्यू जो पास कर रहा है, ये मान लो ये आर एस, तो इसको टी मान लेते हैं, ये जो सीधा लाइन है ना जी, ये लाइन तो सीधा है, ये लाइन सीधा है तो ये वाला लाइन हो गया, और ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल वाला हो गया। ये वाला जो आई वन है, तो आई वन इक्वल टू तो एक्स प्लस आर वन होगा, क्या ये तो आपका क्या हो गया, आई वन हो गया, आई क्या हो गया, एक्स हो गया, आई क्या हो गया, आर वन हो गया, नहीं हो गया? यानी यहाँ से क्या रिलेशन आया, यहाँ से रिलेशन तो कह सकते सर कि आई वन इक्वल टू एक्स प्लस आर वन होगा, क्या ये क्या कहा रखा यार, मैंने पूरा मजाक बना लिया है, कुछ बुझाता ही नहीं, आओ स्टैंड लगा लिया है। अब देखो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई वन माइनस आर वन, समझ में आया, तो एक्स इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, तो एक्स का मान निकल गया, उसी तरह से बाई का मान निकल जाएगा, कितना आएगा सूरज कुमार बाई का, बाई का मान हो जाएगा आई टू माइनस आर टू। तो यहाँ से आपको पास पता चल गया कि बाई इक्वल टू हो गया आई टू माइनस आर टू, समझ में आया। अब देखिए तो इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये सब देखो रियल में
विश्वास नहीं करोगे, ये जो इससे पहले मैंने फोटो देखे हैं, अगर ईमानदारी से आपने 8th 9th पढ़ा होगा तो प्लीज वहाँ भी चर्चा था, तो वहाँ भी ये सब चीज़ बातें था, अगर वहाँ ये सब समझे होते तो यहाँ पर आसान हो जाता है, लेकिन हम मुझे इसलिए समझाना पड़ता है कि हमको पता है कि तुम शुरू से नहीं समझा है, और समझा भी है तो लिंक नहीं है, सबसे मायने रखता है लिंक का। देखिए अब आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ से जो अब मेन बातें हैं, ये सब बातें तो मैं समझाया इसलिए कि डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में हो सकता नहीं आता, अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ डैश क्यू आर में, तो क्या होगा डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नहीं ये वाला टर्म ओ डैश क्यू आर, तो डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई नहीं भी लिख सकते थे आप, खाली अगर खाली स्थान रहता तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे आप यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आई वन माइनस आर वन, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको ऐसे लिखें आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, थोड़ा गलत है, अब ठीक है, अब ये डेल्टा का मान निकल गया। चलिए अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कुछ, मान लो फर्स्ट, ठीक है यहाँ तक। अब फिर से फिगर को देखेंगे आप, फिर से फिगर देखते हैं, नीचे देखते हैं ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ट्रेंगल क्यू आर ओ लिख लेते हैं इन ट्रेंगल क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर में क्या होगा सर? तो एक ट्रेंगल होता है उसमें 180 माने टोटल वैल्यू होता है 180 डिग्री तीनों कोण का मान, यहाँ से लिख सकते हैं क्या आर वन प्लस आर टू प्लस कोण ओ इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण ओ लिखें, कोई दिक्कत है? हाँ बोलो, सेकंड हुआ मान लो। अब देखना फिर से ट्रेंगल को देखो, फिर से ट्रेंगल को देखोगे तो ये बड़ा वाला ट्रेंगल देखो, बड़ा वाला, बड़ा वाला कहने का मतलब ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर ये ट्रेंगल है कि चतुर्भुज हो जाएगा? ट्रेंगल होगा, चार साइड हो गया ना, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं ट्रेंगल होगा, तो क्या होगा रेक्टेंगल हो जाएगा, चतुर्भुज कह सकते हैं जिसको देहाती में, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर है ना। तो इसमें क्या नियम चाहता है कि अगर रेक्टेंगल है तो टोटल एंगल 360 डिग्री होगा कि नहीं, जैसे ट्रेंगल में 180 डिग्री रेक्टेंगल में 360 डिग्री। तो अब बताइए आप ही सब कि अगर ये इस तरह से इसको कहते हैं परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर इस पर, तो ई वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ बन रहा होगा वो तो 90 होगा, ये भी तो यहाँ से यहाँ 90 होगा, तो ये दोनों जब 90 हो गया तो ई दोनों कितना होगा 90 90 180, तो ये दोनों का भी तो 180 होगा, तब ना 360 होगा टोटल, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते कि कोण ए प्लस कोण ओ इक्वल टू 180 डिग्री, क्या चूंकि इसमें और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्यू ओ और ए आर ओ, यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि ए क्यू ओ इक्वल टू
ए क्यू ओ इक्वल टू ए आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि 90 हुआ तब ना ये दोनों को होना पड़ा 180। अब देखिए बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा इधर करें तो ये कोण ए को ए भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोण ए को ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, कोण ए इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस कोण ओ। तो इसको कुछ मान लीजिए इक्वेशन, फिर से इक्वेशन संख्या थर्ड, यहाँ तो ठीक है। अब देखिए अगर इक्वेशन सेकंड को मिला दें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अरे यार सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा बोलो? तो कुछ दिख रहा है, ये और ये बराबर है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A। अब देखो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ये सब एंगल यहीं से हटा सकते हैं, आप आपकी मर्जी है तो इस सारे एंगल को यहाँ से हटा दें, ये हटा दें तो यहाँ भी एंगल हट जाएंगे, आपकी मर्जी है, क्योंकि एंगल तो है ही, उसको कहें या ना कहें तो एंगल है ही, एक है ये कोण, मतलब इसलिए हम इसको दिए थे कि आपको पता चले कि कोण है कि क्या है, ठीक है ना? इसे बुझा जाएगा कि जीरो तो नहीं ना है, तो 180 माइनस जीरो तो 180 लिखा जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा जाएगा, और एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि 180 माइनस जीरो घटा रहा है तो फिर कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने ट्रेंगल लगा दिया या एंगल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए तो इसको भी कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन इसमें 4 मान लिए। अब देखिए इसका फायदा लेगा फर्स्ट इक्वेशन से, मैं R1 प्लस R2 को इसमें डाल दूं, R1 प्लस R2 को इस कुछ यानी कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ ना, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A कर देते हैं डायरेक्ट, एंगल है तो समझ, अब तो एक एंगल ही नजर आएगा ना, आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख भी देंगे एंगल तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया हमारे पास, इसको कुछ और अभी इक्वेशन मान लेते हैं 5। अब देखिए तो यहाँ तक आ गया, अब फिगर को एक बार फिर से हम डायग्राम को समझते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है कि ये लेंस जो है थिन लेंस, लेंस कहते हैं, प्रिज्म जो है थिन है, तो प्रिज्म थिन पतला होगा ये एंगल क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ये क्या होगा कम से कम होगा, ये कम से कम एंगल होगा तो उसकी मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के केस होता है, मिनिमम तब होगा जब इधर से जाए इधर निकल जाए, मिनिमम तब ना होगा कि इधर से जाए इधर से निकल जाए, तो ये तो डेविएशन बहुत ना हो गया, जाना चाह रहा था इधर और चल गया इधर, ये डेविएशन हुआ कि नहीं, तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना होगा, आई वन इक्वल टू आई टू होना होगा, यहाँ से लिख सकते हैं 4 मिनिमम डेविएशन, या ऐसे लिखे तो और ज्यादा अच्छा, 4 डेल्टा, डेल्टा माने ये डेविएशन है, तो 4 डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम या 4 मिनिमम डेविएशन बात एक ही है, तो डेल्टा मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डेल्टा मिनिमम के लिए करना आई वन इक्वल टू, तो आई वन इक्वल टू आई टू होगा तो फिर आर वन इक्वल टू आर टू भी हो जाएगा, क्योंकि आई वन बराबर आई टू वहाँ पर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा निकल जाएगा। तो अब देखिए अब इसको मैं इक्वेशन में फिर पुट करूँगा, तो अब यहाँ से फिर से देखिएगा आप, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 में अगर आई वन इक्वल टू आर, यह देख रहे हो ना, आर वन इक्वल टू आर टू होगा तो 2R हो जाएगा, मैंने 2R1 या 2I1 या इसी को अगर मान लो कि ये जो आई वन है इसको मैंने मान लिया क्या I, अब इसको भी मान लिया क्या R,
लिख भी सकते हो इतना इक्वल टू माना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर दोनों जब बराबर है तो जहाँ आर वन है, अब जैसे ध्यान दो, अब एक्स वन प्लस एक्स वन कोई बोल दे इसका मतलब क्या है, इसको मतलब टू एक्स वन लिखेंगे आप। लेकिन चूंकि अगर यहाँ कह दे कि एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू, तो एक्स वन एक्स एक्स टू इक्वल टू अगर बराबर है, तो जब बराबर है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं ना सर कि एक्स टू प्लस एक्स टू, यहाँ से टू एक्स टू भी तो लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि टू एक्स वन भी लिख सकते हैं, टू एक्स टू भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ टू आर वन भी लिख सकते हैं, टू आर टू भी लिख सकते हैं, आप पर मर्जी। अगर आई मान ले तो टू आई लिख दे डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हम ही मानते नहीं है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा आपको। तो अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन फोर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू आई टू सॉरी आर वन इक्वल टू आर टू बराबर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग अगर मन करे तो, मन नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख सकते हैं माना के भी लिख सकते हैं या लेट करके यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखने से आपको ये फायदा होगा दोबारा आगे नहीं लिखना पड़ेगा, लेट आई इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू, यहाँ कितना आर इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर टू। अब इसमें इक्वेशन में डालो तो आर वन का अति आर वन का भी मान आर और आर टू का मान भी आर, तो आर प्लस आर कितना टू आर, यहाँ से लिख सकते हैं ना टू आर इक्वल ना ए या कोण ए, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा ए वाई टू आएगा, यहाँ से समझ में आया। अब देखो, अब यही इक्वेशन को हम लेके चल जाते हैं इसमें फाइव में, तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव, फ्रॉम इक्वेशन फाइव, तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव देखोगे तो फिर आई वन प्लस आई टू ये टू आई, यहाँ से कह सकते हैं ना लेकिन फोर डेल्टा मिनिमम, तो यहाँ मिनिमम लिखना पड़ जाएगा क्योंकि मिनिमम के लिए ले रहे हैं ना, तो फोर डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आई और प्लस माइनस, माइनस कितना ए। अब देखिए ध्यान देना थोड़ा, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ आई तो ये क्या होगा डेल्टा मिनिमम और प्लस ए इक्वल टू टू आई, तो आई इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, है ना, ये हमारे पास क्या है कौन आई हुआ, तो आई भी निकल गया आर भी निकल गया। अब हम लोग स्नेल्स ला जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स ला, स्नेल्स ला, तो फ्रॉम स्नेल्स ला में क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन, तो i इक्वल टू आर हो ही गया, तब यहाँ से क्या साइन i और बटा साइन r होगा। तो देखो i और r का मान यहाँ पर से निकल आप देखो तो क्या आया है, i का मान डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई टू और r का मान a बाई टू, यही आपको प्रूफ भी करना था। हाँ साइन आर नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना, ठीक है साइन ए बाई टू, यही आपके पास म्यू इक्वल टू प्रूफ करना होता है। देखो शुरू में क्वेश्चन हम इसके पहले इस मैंने सेकंड बार में यही लिखे थे, देखना है ना, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई साइन ए वाई टू, ये प्रूफ करना है आपको। एक और है उसको हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ तक आ चुका है, अब इसके आगे बढ़ना है। देखिए तो आपको मैंने बताया था, याद करो इससे पहले जब हम म्यू टू वाई भी माइनस म्यू वन वाई यू इस तरह से, यानी जिसको कहते थे सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता था, मैंने कर्व वाला नहीं होता था, जिसे स्फेरिकल सरफेस में प्रूफ किए थे, तो उसमें क्या करते थे याद होगा कि साइन थीटा को मैं थीटा माना था, याद है, नहीं समझा, साइन थीटा को इक्विवेलेंट थीटा माना था, याद है, साइन अल्फा को अल्फा, साइन बीटा को बीटा, साइन गामा को गामा, कब, चूंकि लिखे थे कि थीटा स्मॉल एंगल है ना, वेरी स्मॉल, स्मॉल जो भी समझ रहे हैं, थीटा वेरी स्मॉल था, जब स्मॉल होता है और रेडियन में इसकी वैल्यू होती है तो फिर
इसमें क्या होता है, इसको लिख सकते हैं। तो थीटा जब वेरी स्मॉल होगा तब, तो ऐसे भी यहाँ पर जो कह देता है आपको कि थिन लेंस है, सॉरी थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है तो इसको और बटा टू कर दे रहा है, एंगल तो और छोटा हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकता है ये सारे पार्ट को हटा करके क्या, फोर थिन लेंस अति थिन सरफेस मैंने प्रिज्म, फोर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में लिख सकता है यहाँ क्या, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इक्वल टू कितना, साइन हट जाएगा यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू एंड क्या, साइन ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू। तो इसको इक्वल टू ना दे करके थोड़ा अपना हिसाब से होशियारी कर लेंगे, यहाँ इक्वाइलेंट करके चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, तब आपके पास यहाँ से आएगा म्यू इक्वल टू कितना, मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा ए बाई टू, यही ना। अब ध्यान दें तो ये टू से टू आपका कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू म्यू ए, है ना क्रॉस। तो अब यहाँ से क्या होगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, तो ए यहाँ से क्या होगा कॉमन होगा, तो म्यू माइनस वन होगा डेल्टा मिनिमम, समझ में आया नहीं आया, है ना दिक्कत, कहीं लफड़ा है तो कुछ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत देख स्टेप और लिख ना ले भाई, कहा कि गलिया रहा होगा मने मने हमको, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई ए, अब ठीक हो, अभी वो लफड़ा है का सर, अब ठीक ना। छपाई भी होगा ड्रेवेशन उसमें नहीं डाले, खाली लैंग्वेज डाल दें, क्योंकि लैंग्वेज लिखाने में ही समय लग जाता था ना, हाँ कितना आसानी से समझाएं बताओ, बेईमानी से समझाएं, मिनिमाइज कर देंगे तो एक बार में नहीं दिखेगा, इसलिए मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा था। देखो सारा दुनिया दिख गया, लेकिन बड़ा करके फिर से एक बार दिखा देते हैं, दो मिनट में ध्यान देना, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो अथी क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, यही लिखेंगे, ये नहीं, ये लिखेंगे, यही लिखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए क्या, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू, ये लिख देंगे क्वेश्चन में। अब देखो हल्का फल्का इस, देखो इसमें कुछ कुछ और दिया हुआ है, मैंने नाम निशान कुछ और दिया, तो अपने अनुसार तो इसमें लिख ही सकते हैं, जैसे फिगर में है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, डीबीसी क्या है, ये सब अपने से लिख सकते हो, लेट एबीसी, मैंने जो आपको लगे अच्छा। ऐसे देखो एग्जाम के टाइम में तो परेशान ना रहो, देखो हम अभी चाह रहे हैं कि हर पोर्शन को आप समझ जाओ, एग्जाम डिसाइड होता है कैसे का, तो पाँच दिन में, पाँच दिन पहले आपकी मूवमेंट क्या असर है माइंड में, अगर पाँच दिन पहले दस दिन पहले अगर माइंड मेकअप है कि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, कोई रोक नहीं सकता खराब होने से। अब कितनों पढ़े हैं, अगर दस दिन पाँच दिन पहले अगर डाइवर्ट हो गए ना, तो निश्चित है जो आ रहा होगा वो नहीं बनेगा आपसे, जैसे ये भी समझ गया ना, थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लो। देखो तो बस यही चीज अभी हम सोच रहे हैं, एक एक टॉपिक को देखो, केमिस्ट्री आज के बाद शायद कल से क्लास नहीं होगा, सर बोले होंगे, तो हम इसीलिए देख रहा होगा फिजिक्स दो तीन चार दिन से डंडी मार रहे हैं, अब खाली फिजिक्स चलेगा, तो हम डंडी नहीं मारते, हम सोच रहे हैं कि देखो केमिस्ट्री का बैलेंस तो हो जाए, कुछ तो बैलेंस हुआ। अब मान लो छठ बाद सर आएंगे या बीच में से प्रयास करेंगे आपकी क्लास हो, लेकिन अगर नहीं भी आएंगे सर तो आपको बैलेंस, हम तब तक फिजिक्स बहुत आगे चल जाएगा, जो सोचा भी तुम नहीं होगा, ठीक है।
उसलिए के टेंशन है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा चीज है ना, तुम कितनों बार पढ़ लो अगर भेजा में नहीं घुसा, कितनों नोट्स हम दे दे, कितनों पीडीएफ दे दे, वो लिखाएगा नहीं आपसे। सुंदर साहब के पास रहेगा खाली, लिखाएगा आप नहीं लिख सकते उसको, क्यों? क्योंकि देखो ना, एक लाइन इधर से उधर हो जाएगा, पूरा ड्रामे बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। अब इसको कैसे रटेगा जी? मान लो अब चाह लो कि तू रट लेगा, रटाने वाला चीज है, रट भी लेगा ना तो तू भुला जाएगा, और अगर नहीं तो फिर लैंग्वेज उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो मार्क्स कट ही जाएंगे। यही कारण फिजिक्स टफ होता है। आ गया रे। अच्छा, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, फिगर बना लो पहले। हाँ, पहले फिगर बना लो। ऐसे मैं फिर से बनाता हूँ फिगर, उसको बनाना आप। देखो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा, चुप। देखिए फास्ट में बनाना, पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। अरे खिसिया गया क्या रे? ये ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे आप? स्केल है तो स्केल से, नहीं है तो एकदम सिंपल एक पेन से या कलम से, जो भी है, लेकिन फिगर बड़ा बनाएंगे। बस ये ध्यान रखें, फिगर बड़ा बनाया नहीं तो गलती होगी आपसे। यहाँ से लाइन खींचे, ठीक है, और इसको इसको आगे बढ़ा दे। अरे तो क्या हो गया, नहीं दिख रहा था? हम यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं है, फिर से दिखा देंगे। और ज़्यादा दिक्कत है फिर से बना लो फिर, तू भी नहीं तो फिर कहेगा सर हम ए चंडाल गए। सब बात को मजाक बुझोगे ना तो फिर आ जाओगे ही। अरे एंगल नहीं बनता है ना इसीलिए सब। देखो लिखा, बनाया, बन गया। चलो देखो, कुछ नहीं, ध्यान देना इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में, गलती होने की चांस है तो पहले इसको ले लो, क्योंकि वहाँ कौन जानता है कौन लाइन पहले खींचा है। अरे एग्जाम में कौन जानता है पहले तुम किसको खींचा है। इसको इस तरह से ले लो, ठीक है। अब देखो इस तरह से एकदम ध्यान देना, दोनों में सट जाए के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारा मत सटे, तुम्हारा सट जाना। अब इसको ध्यान देना खाली कि ये वाला लाइन इधर जो भी होगा डॉट डॉट होगा, नीचे वाला जो होगा इस तरह से जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारा बाहर आएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दें, बात ना करें। अब इसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो तो आप दिमाग में रखना कि इसको डॉट 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 लम सीधा लाइन, हाँ ये स्केल इसी पर रखना है, इसी को सीधे ले जाना है, ठीक है। और इसको झुकाना चाहे तो हल्का झुका दोगे, जितना झुकाओगे उतना फिगर अच्छा होगा। जितना झुकेगा इतना, जितना झुकेगा उतना दिखने में अच्छा लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये लाइट गया, ये लाइट गया, ये लाइट निकल गया। अब देखो इसमें दिमाग में थोड़ा सा क्या रखना है, थोड़ा सा रखना कि ये जो लाइट निकला है इसको पीछे मिलाना है हमको, सीधा स्केल करके पीछे मिला देना, ठीक है, ये तो फिगर बन जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से दो को नॉर्मल जरूर खींचना है, यहाँ से एक ये और एक ये, ये हो गया नॉर्मल आपके पास, फिगर गलती नहीं होगी आपके पास। अब देखिए नाम यहाँ पर जो याद है वो इसी को लिख देना, ओ यहाँ पर क्या लिखे थे, ओ डैस। अभी थोड़ा हो तो मैंने कम डॉट दिया, आप ज़्यादा डॉट दे सकते हैं जिससे खाली लगे कि टूटी फूटी लाइन है, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। मन करे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन दूसरे कलर से बढ़ा देंगे या हल्का सा बढ़ा देंगे, लेकिन इसको नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। नाम में क्या था, अब ट्रेंगल में दोगे तो इसको ए बी सी दोगे, इसको पी क्यू आर एस दोगे, इसको एम एन, इसको भी इसको देना, इसको आगे जो लाइन बढ़ाओगे इसको टी दे दोगे, इसको ध्यान दो। अब ये एंगल जो बनेगा क्या बनेगा, ये एंगल, इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन ये देख रहे हो ना बड़ा वाला, ये यही एंगल ना है छोटा में, यहाँ पर ये वाला कोण ये। अब देखो इस कोण को क्या बोले, आई वन, इस कोण को आर वन, इसको भी आर टू, इसको आई टू, इसको एक्स, इसको वाई। फटाफट नोट कर लो, फिगर बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे तो वहाँ दिखेगा नहीं आपका।
जितना फिजिक्स है सबका फिगर एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार बना के घर से जाएंगे, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन का घर पर अपने बना, फास्ट बनाना है, वहाँ ही नहीं कि जाके फिगर बनाने में रह गए, क्योंकि फिगर तो फॉर्मलिटी के लिए बना रहे हैं ना, अगर लैंग्वेज आप सही लिखेंगे तो फिगर ऑटोमेटिक सही होगा। संभव हो तो पेंसिल लेके जाएं, गलती हो तो वहां पर मिटा दें। हो गया, और संभव हो तो ये लाइन भी, ये लाइन भी डॉट डॉट दें, ये लाइन और ये लाइन भी डॉट डॉट दें, क्योंकि नॉर्मल कभी रहता है नहीं, वो डॉट डॉट ही रहता है। संभव हो तो हम इसलिए बना दिए कि आपको फिर डॉट डॉट में पता ना चलता, कन्फ्यूजन हो जाता। संभव अब बन गया ना, आप ध्यान रखेंगे नॉर्मल हमेशा डॉट डॉट रहता है, अभिलंब बार दिए को, अब यही परीक्षा में लिखोगे, यही फाड़ के लेके जाओगे का कौन ए ए ए ए ओ क्यू ए ई ई ना, हाँ ये पूरा डाउट रहेगा, ये पूरा डाउट रहेगा, ई डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा हुआ ना वही कोण है ये डेल्टा, लैंग्वेज भी लिखा दें। कैसे भूल जाएगा, तो हिंदी में लिख देना, जब दिक्कत दिक्कत करो तो कल इंग्लिश में पढ़ा था, जब हिंदी में लिखेगा तो इसीलिए ना इंग्लिश वाला, हिंदी वाला के नंबर बढ़ जाते, इंग्लिश वाला घट जाता है। तुम देखना टेस्ट होगा ना फाइनल, तुम लोग कॉपी मैच करवा देंगे कितना तुम लिखते हो कितना वो लिखता है। कारण है कि देखो दिन रात हम लोग जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में लिखना आसान है, अरे माध्यम से क्या मतलब है हमको, हिंदी मीडियम वाला आईएएस नहीं बन रहा है, है? तो फिर क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल वाला पढ़ता भी तो ज्यादा है, तुम कहला जाति जन्म से पहले ही और तुम्हारा घर तक ही सीमित है ना। अब दो, अब एक मान लो कहते को नीच जात का लोग, एक उच्च जात का अगर एक क्लासरूम में पढ़ रहा है तो क्या उसमें मेरिट कम जाएगा, तुम यही तो जो मैनिया बैठ गया है ना, तो तुम पढ़ना भी कम कर दिया है, तुम्हारा मैनिया बैठ गया है तो और क्या, केवो आईपीएस का नाम बताओ जो कि नीच जाति के हैं, नाम बताओ ना 10 का, तू जितना नाम जानता होगा सब उच्च जाति के, अब क्या करोगे, टाइटल देखो ना, टाइटल से पता चल जाएगा। के गो पासवान जी हैं जो कि आईपीएस और आईएएस हैं, बताइए नाम सुना है कागो, फलना पासवान चिलना पासवान, तो कैसे कहते हो, कैसे कहते हो, जाति पर सब कुछ नहीं होते हैं, और मैनिया बैठिए गया तो क्या करोगे, फिगर लिख दिया नहीं, फिगर बन गया ना, फिगर बन गया ना, ये सारे नाम निशान हो गया ना सब, उन्हें ए दे दिया था, एम दे दो, टी दे, आर वन टू सब, ओ ओडेस ना यार, नहीं दिए, अब खाता नहीं दिए, तब हम दें तेरे बदल, तनी मनी लैंग्वेज लिख लेगा कि लिखा ही दें, हाँ लिखा ही दीजिए पूरा कितनी बनी रट लेंगे, एरे से लिख लेगा, एरे से लिख है? लिखो लेट ए प्रिज्म, ए प्रिज्म
ए बी सी इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट इनक्लोज्ड बाई बी बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कौन कौन रिफ्रैक्ट सरफेस एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, लिख सकते हो ए रे ऑफ लाइट पी क्यू, कंसिडर ए रे ऑफ लाइट पी क्यू, ए रे ऑफ लाइट पी क्यू इंसिडेंट ऑन, इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, है ना, ये सरफेस ए बी थोड़ा सा मिला के हम लिखवा देता हूँ जिससे तुमको आसान रहे, घर पर भूलोगे नहीं, है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी। अरे यार रुक, देखो यहाँ पर यही ना लिखे, कंसीडर ए रे ऑफ लाइट, यहाँ क्या लिखे ए बी लिखा, सो पी क्यू, ए बी नहीं पी क्यू, पी क्यू, हाँ पी क्यू इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या ए बी, ए बी एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, लिखा। अभी इसको एम दिया था कि एन, फिगर में देख लेना एम, एम ना यहाँ लिख देना, यहाँ पर इसको हटा के एम ओ, है ना, एम ओ इज द नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, लिख दिया, लिख दो एम ओ इज द नॉर्मल एट पॉइंट क्यू। फिर नेक्स्ट द इंसिडेंट रे पी क्यू इज, इंसिडेंट रे पी क्यू इज, पी क्यू इज, यहां तक लिखा द इंसिडेंट रे पी क्यू इज रिफ्रैक्टेड एलोंग, रिफ्रैक्टेड एलोंग क्यू आर, क्यू आर एंड बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, क्यू आर एंड बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल देखो ना सब लिखल है, टूवर्ड्स नॉर्मल द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे क्यू एल, क्यू एल के क्या कर दोगे क्यू आर, द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर अगेन सफर्स रिफ्रैक्शन एट एल, एल के क्या कर दोगे आर एंड इमर्जेज आउट अलोंग एल एम, एल एम को क्या कर दोगे आर एस, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको क्या लिखोगे नॉर्मल को ओ एन, अति ओ एन, ओ एन ही होगा शायद, क्या होगा यहाँ ओ एन एट पॉइंट आर, लिखा कहीं दिक्कत है बोलो। फिर क्या द रे पी क्यू और ये क्या हो जाएगा क्यू आर, पी क्यू और इसको क्यू आर एंड आर एम, रुक जाओ आर एस, आर एस कर देना इसको क्यू आर एंड आर एस आर नोन एज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड इमरजेंट रे, ठीक है। अब एक रोज से शॉर्ट लिखना है तो और दूसरा उपाय है, देखो क्या मैंने इतना अगर भूल जाने की डर है तो हो गया, सब चीज लिख लो, मैं चेंज कर दिया हूँ। एलोंग क्यू आर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ई वाला, अच्छा ई वाला, ई एलोंग इसमें है क्यू आर, आई आर एस नीचे है, गड़बड़ हो गया तो काट लिया का? कौन छाप के लैंग्वेज बाद तो फिगरे के अकॉर्डिंग तो ना लिखो,
ये वाला फिगर डाल दोगे तो तुमको समझना पड़ेगा ना कि फिगर कैसे बनाई, R1 I1 R1 कैसे हुआ। देखो यहाँ त्रिभुज मार के दिखे हैं, इसको एक्स माने थे ना हम, एक से को ने लिखा यहाँ कौची I1 माइनस, ऐसे बुझाएगा तुमको। अब ऐसे तीर मार के तू लिखेगा, अरे फिगर बनाना किताब को अलग हो जाता है ना, तो हमको बनाना यहाँ पर अलग है, लेकिन तुमको कॉपी पर बनाना अलग हो जाता है ना। देखो ना उसको भी शॉर्ट हम कर देते हैं, जब एग्जाम में अगर ये सब भूल जाओ, लैंग्वेज लिखने नहीं आए, तब के उपाय क्या है, तब के उपाय देखो क्या है। चलो नोट कर लिया, देखो जब भूल जाओ तब हम बता रहे हैं। देखो इस तरह से लिख देना, इस तरह से दम फिगर बनाना, कितना ट्रेंगल टाइप से है, त्रिभुज एबीसी क्या है, क्रीज में कोण ए क्या है, क्रीज में एंगल है, पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है ना, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्स यहाँ से क्या हो गया, क्यू आर क्या हो गया, तो क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। आर एस क्या हो जाएगा, आर एस हमारा, आर एस क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे जो निकलने वाला है। ये सबका सबका खाली नाम लिख देना तुम, ठीक है, इससे क्या होगा तुम नहीं भूलोगे कभी। अब ए क्या है, तो इस सारे पॉइंट को नाम दे देना, बी बी सी क्या है, तो बी सी को हम लोग बेस बोलते हैं, ये सब अपना नाम लिख देना सिंपली। हाँ पार्ट बाई पार्ट तुम ये सब नहीं भूलोगे कभी, क्योंकि दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज मिलाना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इस तरह से तो लिख ही सकते हो ना, तो जब भूल जाओ था, लेकिन इसमें एक आध नंबर कटने का डर रहता है। ठीक है हो गया सूरज कुमार, टेस्ट में देखो यही हम तुमको बता देंगे तेरा कितना परसेंट आया, निश्चित हो जाता हर साल तुमको। अब एक बार ना बेईमानी हो जाएगा, दो बार ना बेईमानी हो जाएगा, मान लो 35 टेस्ट भी तुम्हारा हो जाता है तो 7 बार तो रिजल्ट मिलेंगे तुम लोग को सारा सब्जेक्ट का मिलाकर। तो बिहार बोर्ड तो एक बार जारी करेगा, CBSE एक बार जारी करेगा, 7 बार जारी करेंगे, तो 7 बार में तू कहीं ना कहीं एवरेज निकाल लेना। अरे एक बार में मान लो सेकंड डिवीजन आ गया, एक बार में मान लो टॉपर बन गया, एक बार में मीडियम आया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर, सबको एवरेज कर लो तुम। अब जैसे एग्जिट पोल आता है ना, तुम्हारा एग्जिट पोल आ सकता है, बदल भी सकता है, देखो आज क्या होता है कि नहीं। तेरा क्या होगा, तेरा तो बस टेंशन ही नहीं है, तुमको तो दुकान करना है, बाबूजी से मतलब ही नहीं है, बाबूजी का सपना है पूरा। एग्जाम में क्या होगा, बाबूजी थोड़े रहेंगे, तू ही रहेगा। देखो ये हो गया, कोई दिक्कत? अब इसमें नीचे में और भी कुछ कुछ लैंग्वेज था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अरे यार क्या बोल रहे, तुमको छोटा अथी दिखा देते हैं। अरे आज निकाह हो गया, हाँ मिनिमाइज तो कर रहे हैं इससे है? खुलेगा रुक, बात तो नहीं है, हमको मार्कर सिलेक्ट था तो कैसे खुलेगा वो। देखो इसमें तनी मनी और लिखना चाहो तो इसमें सब लिखल है। फर्दर द एंगल्स पी क्यू एन को I1 आई किसको कहते हैं, देख रहे हो ना, I2 किसको कहते हैं, R किसको कहते हैं, नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये सब तुम लिख देना, ये सब तेरी भाषा है, ये सब मार्क्स नहीं कटते हैं, नहीं लिखोगे तो गए हो, लाओ लिखिए देते हैं। देखो देखो हम उसमें लिख देते हैं, तुम काला टेंशन ले ले, तुम टेंशन में आ जाएगा फिर, कर दे हमें कि कर लेगा, कर दीजिए ना, बहुत खुशी होता है सर। चलो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको, काम इतने करना है, इस एंगल को क्या कहते हैं, इसको I2, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कोण I1 इक्वल टू कोण I2, तो ये I1 I2 अलग अलग लिखेंगे एंड करके, क्योंकि यहाँ पर बराबर कर देंगे तो बात बदल जाएगी। यहाँ से क्या I1 एंड I2 क्या है, इंसिडेंट है, R1 R2 क्या है, रिफ्रैक्टेड है, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये सब चर्चा आप अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबर फिजिक्स में नहीं कटता, लेकिन हाँ आप छोड़ देंगे तो एक आध नंबर, देखो काटता ज्यादा नंबर नहीं फिजिक्स में, अगर इतना डेविएशन करोगे फिगर सही सही तो बना दिया है, नहीं लिखोगे तो 4 नंबर मिनिमम दे ही देगा, क्यों 2 पेज आ रहा है जी, नहीं जा रहा है, अब 2 पेज में नंबर काटेगा तो तुम्हारा इतना कौन लिख के आएगा। हो गया फिगर बना लिया, अब इसको लिख लो, नहीं कुछ बोले तुम्हें, लिखो पहले आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस ज़्यादातर फिगर इसमें मैंने इससे पहले जो पीडीएफ है ना उसमें मिल जाएगा आपको। चलो जल्दी छापो ना तो भी चल जाएगा तुम्हारा। का है टाइम तुम्हारा देख रहा है? रिजल्ट संभालना है बाबू तो सबसे मायने जानते हो दिमाग को कंट्रोल करो, ठीक है? और तुम लोग का दिमाग ही अनकंट्रोल हो रहा है, कखनी क्या सोच लेगा कुछ पते नहीं है। स्थिर से कम 8 घंटा 10 घंटा बैठो कम से कम, पढ़ना है या ना पढ़ना बैठो कम से कम, बैठने का आदत डालो। 1 घंटा बैठ रहा है दीनानाथ? झूठ नहीं बोलना है? एक अस्थिर से बैठा रहता है, अस्थिर से नहीं, 8 घंटा सोता भी नहीं है बनिया से, सोता है जी तो ऐसे बैठता है। अरे तू सो नहीं सकते, बैठना तो दूर गया। रात में नौकरी करता है क्या? और पढ़ रहा है इतना तो मोबाइल में नेट कितना जीबी नेट डलाता है? 1000 GB डला लिया है क्या? ये जानता है कंजूस ना है, नेट खत्म नहीं होता सोता नहीं होगा नहीं। वही ना, तो वही वही तो चक्कर है तेरा।
चलो अब छोटा कर दे, देख लेना तुम ले। हाँ अब जे कहाँ से आ गई थे, तोरा मैथ चल रहेगा यहाँ आई जे के। चलो अब नेक्स्ट क्लास में, कल से केमिस्ट्री शायद संभव नहीं होगा तो फिजिक्स ही खाली 2 घंटा चलेगा के। हाँ